हेलो, सो आई एम हितेश त्रिपाठी एंड दिस इज एडिटोरियल वीडियो ऑफ क्वेश्चन डी, एजुकेशनल कोड फोर्सेस राउंड 106 रेटेड फॉर डिवीजन टू, द नंबर ऑफ पेयर्स। बिफोर दिस, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब दिस चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल। आई विल पोस्ट रेगुलरली एडिटोरियल्स प्लस डीएस रिलेटेड वीडियोस। ओके, सो नाउ आई एम जनरलाइजिंग द क्वेश्चन। वी हैव थ्री इंटीजर्स सी डी एंड एक्स। ओके, सी डी एक्स। Now you have to find the number of pairs of positive integers AB such that equality C into LCM of A minus D into GCD of AB is equals to X holds. Okay, so we have to find number of pairs AB. Okay, so we have to find number of positive pairs AB. Okay, such that this inequality holds. Where LCM is obviously least common multiple of A and B, and GCD is greatest common divisor of A. Okay, fine. So now first thing is ki jo constraint hai 110 is 7 hai, to O of n, okay, at maximum. Okay, fine. Now hame is equation ke liye number of pairs nikalne. Okay, so if you clearly see कि हमारे पास C, D and X तो हैं already, okay? हमें LCM और GCD find करना है सबसे पहले। तो अगर हमें LCM और GCD पता चल जाए तो क्या हो जाएगा, हम उससे number of pairs निकाल सकते हैं। Yes, suppose ये एक method है, okay? एक algorithm है, पहले मैं वो बता देता हूँ, ठीक है? उस algorithm से एल्गोरिदम और फॉर्मूला यू कैन से, ओके, इफ एलसीएम ऑफ एनी टू नंबर्स, ओके, ए एंड बी इज एक्स एंड जीसीडी इज वाई, ओके, देन नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ए बी कितने होंगे, वो होंगे एक्स अपॉन वाई के प्राइम फैक्टर्स। सपोज x अपॉन y के नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, n, ओके, तो नंबर ऑफ पेयर्स ए बी विच आर होल्डिंग दिस, विच मीन्स नंबर ऑफ पॉजिटिव पेयर्स ए बी हूज एलसीएम इज x एंड जीसीडी इज y विल बी इक्वल्स टू 2 रेज n, ओके, वेयर n इज प्राइम फैक्टर्स ऑफ x अपॉन y। Prime factors of x upon y, or you can say prime factors of LCM upon GCD. Okay, fine. Now, अब हमें निकालना क्या है, number of pairs निकालना है, तो obviously कहीं ना कहीं हम इसी चीज का use करेंगे 2 raise n निकालने का, ठीक है? अब n निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, n निकालने के लिए हमें चाहिए पहले तो LCM upon GCD की value, ठीक है? LCM upon GCD की value चाहिए हमें, जो कि हमें ऑब्वियसली इस इक्वेशन से मिलेगी, ठीक है? तो इस इक्वेशन को थोड़ा एनालाइज करते हैं। ये इक्वेशन क्या है, सी इंटू एल सी एम माइनस डी इंटू जी सी डी, हेयर एल इज एल सी एम एंड जी इज जी सी डी, ओके, इज इक्वल्स टू एक्स। हमें चाहिए एल अपॉन जी की वैल्यू, ओके, सो लेट्स डिवाइड होल इक्वेशन विद जी, तो ये हो जाएगा सी अपॉन सी into L upon G minus D is equals to X upon G। फिर हमें वैल्यू किसकी चाहिए, ये L upon G की, इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो L upon G हो जाएगा तुम्हारा X upon G plus D by C, ठीक है? ये एक तुम्हारी इक्वेशन सी आ गई, ओके, अब इस इक्वेशन को तुम्हें मान लो सॉल्व करना है एल अपॉन जी की वैल्यू के लिए, ठीक है? तो तुम्हें पता क्या क्या है इसमें, एक्स की वैल्यू हमें नोन है, डी की वैल्यू नोन है, जी की वैल्यू नोन है, बट जी की वैल्यू यहां पर जो है वो नोन नहीं है, सॉरी, ओके, जी की वैल्यू नोन नहीं है, तो हम जी की वैल्यू के लिए क्या कर सकते हैं, जी की वैल्यू के लिए हम लूप कर सकते हैं, ओके, हम सारे के सारे जी सी डी ट्राई कर लेंगे, ओके, अब
जी की वैल्यू लूप कर लेंगे और सारे के सारे जीसीडी ट्राई कर लेंगे, और सारे के सारे जीसीडी ट्राई करने के बाद जो भी हमारी एल अपॉन जी की वैल्यू आएगी, मान लो एल अपॉन जी की वैल्यू आई एक्स, ठीक है, तो हम एक्स के नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे, मान लो वो आए एन के इक्वल, तो हमारे आंसर में कितना प्लस हो जाएगा, 2 raise n, ओके, फॉर अ पर्टिकुलर एल अपॉन जी वैल्यू, फॉर अ पर्टिकुलर एल अपॉन जी वैल्यू मीन्स फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ जी, ठीक है, आंसर में कितना प्रेस होगा, 2 raise n, फाइन। अब जी की वैल्यू के लिए लूप करना है हमें, तो लूप कहां तक करेंगे, ऑब्वियसली कुछ कंस्ट्रेंट्स देखो कि x विल बी फैक्टर ऑफ जी, ओके, व्हाई x विल बी फैक्टर ऑफ जी, बिकॉज इस पूरी वैल्यू को इंटीजर होना पड़ेगा, ठीक है, तभी इंटीजर प्लस इंटीजर अपॉन इंटीजर आएगा, ठीक है, क्योंकि d पहले से इंटीजर है, तो x अपॉन g को इंटीजर होना पड़ेगा, इट मींस g विल बी अ फैक्टर ऑफ x, ओके, तो हम x के सारे फैक्टर्स पे लूप करेंगे, और वो हम कैसे करेंगे, ऑब्वियसली स्क्वायर रूट ऑफ x में, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी चेक करें, अगर हम g की हम इटरेशन कितने, g की वैल्यू के लिए इटरेशन हम कितने में करेंगे, रूट ऑफ एक्स में, ठीक है, फिर हर वैल्यू ऑफ जी के लिए हम एल बाई जी के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, तो प्राइम फैक्टर्स अगर हम सी से निकालेंगे ऑब्वियसली, तो वो कुछ होती है एन लॉग ऑफ लॉग एन, ये होती है तुम्हारी सी की कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, तो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारी लगभग एन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स या लॉग एन होगी, ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी अब देखते हैं क्या है, सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है, ये तीनों वैल्यू ले ली, ठीक है, सी डी एक्स, पहले तो ये क्यों किया, ये देख लो, ये कॉमन सी चीज है, अपनी सी डी एक्स की वैल्यू को छोटा करने के लिए किया है, ठीक है, अब तुम्हारी ऑब्वियस सी बात है, अगर ये तुम्हारी इनइक्वलिटी है, ठीक है, अगर ये तुम्हारी इनइक्वलिटी है, तो इनमें से कुछ कॉमन ले लो तुम, ठीक है, मान लो इनमें से कुछ कॉमन ले लिया तुमने y, और इसमें से अगर कुछ कॉमन आ रहा है y, तो वो x का ऑब्वियसली फैक्टर होगा, ओके, तो यू कैन डायरेक्टली से कि जो c और d का अगर gcd है, तो वो x का फैक्टर होगा, gcd इन द सेंस कि दोनों का डिवाइजर, कॉमन लेने का मतलब डिवाइजर ही होता है, ओके, तो इफ c बाई वाई एंड d बाई वाई इंटीजर है, मतलब कि y c और d का gcd है, ओके, तो y विल बी अ फैक्टर ऑफ x, ओके, तो वही क्या c और d का gcd निकाला, ओके, फिर अब अगर वो gcd है, ठीक है, और वो फैक्टर नहीं है x का, तो सिंपली तुम्हारा आंसर जीरो हो जाएगा, क्योंकि LCM और GCD की कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है, else में तुम क्या कर दो, तीनों की वैल्यू छोटी कर दी तुमने, अगर ये चीज तुम नहीं भी करते तो भी तुम्हारा शायद कंस्ट्रेंट थोड़ा बाहर चल जाता, ठीक है, तो हमने पहले ही छोटी कर ली वैल्यू, अब अपना आंसर, जिसमें हम अपना आंसर स्टोर करेंगे, फिर ये है, हमने x के फैक्टर्स निकाले, हमें सबसे पहला मूव क्या करना था, जी के लूप, जी के लिए लूप चलाना था, वो कहां चलेगा, अंडर रूट ऑफ एक्स में, yes. तो हमने 1 से स्क्वायर रूट ऑफ एक्स में लूप किया, ठीक, और एक्स के फैक्टर चेक किए, इफ एक्स मॉडुलो आई 0 है, तो हमने ये फंक्शन बना लिया, जिसे हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ एलसीएम अपॉन जीसीडी निकालेंगे, सिंपली यहां से ये जो वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है, और 2 raise n अपने आंसर में ऐड कर देंगे, ठीक है, तो वही किया, आंसर में मैंने फंक्शन की वैल्यू ऐड कर दी, ठीक, अब दूसरा फैक्टर x by i, उसकी भी वैल्यू मैंने फंक्शन में ऐड कर दी, ठीक है, ठीक है, अब फंक्शन देख लेते हैं, फंक्शन है क्या एक्चुअल में, तो फंक्शन में तीन वैल्यूज जा रही हैं, एक फैक्टर, एक c और एक d, ठीक है, ये रहा तुम्हारा फंक्शन, अब हमें क्या मिल चुका है, हमें मिल चुका है फैक्टर, देखो हमें g की वैल्यू मिल चुकी है, ठीक, तो सबसे पहले g की वैल्यू के लिए तुम क्या करोगे,
सबसे पहले तुम सबसे पहले चेक करोगे प्लस डी, पहले तो ये एक्स का फैक्टर होना चाहिए ठीक है, प्लस डी तुम्हारा सी से डिविजिबल होना चाहिए। टोटल वैल्यू तुम्हें ये बनानी है एल बाई जी की, ओके, और इसमें बस इंटीजर देख लेना क्योंकि ये टोटल वैल्यू इंटीजर होगी, ओके, तो बस यही देखना है। एक्स में तुमने एक्स प्लस डी कर दिया ठीक है, एक्स में एक्स प्लस डी कर दिया, फिर तुमने सिंपली चेक कर लिया कि मॉड्यूलो सी अगर 0 नहीं है तो वहीं पे आंसर 0 रिटर्न कर दो। एल्स में तुमने क्या किया, एक्स से सी डिवाइड कर दिया, सी से एक्स, और फिर रिटर्न ने क्या किया तुमने, प्राइम नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ एक्स की पावर 2, ओके, सिंपली यहां से वो रिटर्न कर दिया, तो 2 की पावर प्राइम फैक्टर्स ऐड हो जाएंगे तुम्हारे आंसर में ठीक है, फाइन। अब प्राइम ऑफ एक्स कैसे बनाया, प्राइम ऑफ एक्स तुम्हारा सिंपली सीव, और फिर सीव एल्गोरिदम वो तुम जेएफजी देख लेना ठीक है, फाइन। सो अगर तुम्हें ये फॉर्मूला भी करना है तो ये गूगल कर लो, मिल जाएगा ठीक है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन, प्लस सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।